गुड्डू गुड्डू जल्दी आ जाओ भाई, स्कूल से देर हो रही है, नाश्ता बना रहा हूं मैं तुम्हारा। गुड्डू बेटा देर हो रही है, आ जाओ। बाबा मैं रेडी तो हो गया हूँ, बस ये टाई की नॉक नहीं बन रही मुझसे, ये बांध दे। ओ ये इस वक्त याद आया है तुम्हें, पहले बता देते मैं टाई की नॉट बांध देता। पहले मुझे मामा बांध कर देती थी तो। जानती हो ना तुम्हारा ये फूवड़ शोहर इस तरह के काम नहीं कर सकता। हद हो गई, इतने बड़े हो गए अभी तक टाई नहीं बांधनी आई, वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे एक है ना तुम्हारे जैसी खूबसूरत सी लड़की जो मेरी टाई बांधती है वो। कौन है मेरी? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो शोहर का कत्ल कर दोगी कल को अखबार में खबर आ जाएगी कि खूबसूरत बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया। तो बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, क्या हो गया यार? बाबा क्या सोच रहे हैं आप? अंडा चल गया और नॉट भी नहीं बांधी आपने अब तक। ओहो ये क्या हो गया मुझसे, लाओ मैं नॉट बांधता हूँ। अरे तुम बाप बेटा यहाँ क्या कर रहे हो और क्या जल गया? बू आ रही है जलने की। ये बात अभी तक ये स्कूल नहीं गया? अरे कितनी बार मैंने कहा गली के स्कूल में करा दे, इतनी दूर इसका स्कूल है, कौन जाएगा छोड़ने और लेने? मैं ही जाया करूंगा और मैं ही लेके आया करूंगा। मेरा बेटा गली के आम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। और वैसे भी आज देर से आँख खुली थी, कल सुबह हम जल्दी का अलार्म लगा लेंगे, ठीक है ना? ठीक। अम्मी मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी से नाश्ता ला दें, देर हो रही है। चलो गुड्डू चलो चलो, देर हो रही है भाई, जल्दी। अरे खत्म मारे ये क्या सारा जला दिया। तुम बस ऐसा कर लो कि किचन में जाके एक दफा सारे इंतजाम देख लो, मेहमान आने ही वाले होंगे। अरे अच्छा मैं अभी देखती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। कौन आ रहा है भाई, इतनी दावत का इत्तमाम हो रहा है? तुम्हारे ससुराल वाले। क्या मेरे ससुराल वाले? सदफ की अम्मी तुमसे मिलना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि आज शाम को उनको खाने पे बुला लूं, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और सोबिया और तुम्हारी शादी की खट्टी बात भी कर लूंगी मैं, ठीक है ना? अम्मी अब क्या बात कर रही? अम्मी भाई के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, ये ऊपर ऊपर से ऐसे ही मुंह बनाते हैं। सोबिया तुम खामोश रहो, तुम्हारी बात नहीं हो रही है। अम्मी मैंने क्या किया है जो इस तरह से भाई मुझसे नाराज हो रहे हैं? और हम किस तरह से बात कर रहे हो बहन से? तुम्हें पता है ना कि वो चंद दिन की मेहमान है और तुम उससे इस तरह से बात कर रहे हो? अम्मी क्या कहना चाहते हो, खुल के कहो। अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, आप उनको मना कर दें, बल्कि आप उनसे कहें ना आए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। इस बात का क्या मतलब हुआ? अम्मी मैंने कहा ना मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहता, सिंपल। देखो खुर्रम अब तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे मूड का इंतजार करके तुम्हारी शादी के लिए 2-4 साल और जाया करूं। और वैसे भी मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि सोबिया की शादी के बाद मुझे अपने घर में बहू लेकर आनी है, और मेरे ख्याल में सदफ से बेहतर कोई लड़की नहीं है इस वक्त मेरी नजर में। नहीं क्या मतलब है, तुम किसी और को पसंद करते हो? अम्मी ऐसा ही है भाई, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप हमें खुलकर बताएं ना। बिलीव मी मैं और अम्मी आपकी पसंद पे कोई एतराज नहीं करेंगे। मैं नायाब से शादी करना चाहता हूँ।